हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अंगद तंत्र के अंदर कोर्ट और उसकी पावर के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। ए प्लेस वेयर लीगल ट्रायल्स टेक प्लेस एंड क्राइम्स आर जज अंडर आईपीसी। तो कोर्ट क्या है? एक ऐसा स्थान जहां पर कानून के दायरे में रहकर विभिन्न प्रकार के क्राइम्स को जज किया जाता है अंडर आईपीसी। आईपीसी क्या है? इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड क्या है? धाराएं, विभिन्न प्रकार की जो हम धाराएं देखते हैं उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि विभिन्न प्रकार की धाराओं को देखकर किस प्रकार का क्राइम हुआ है उसके अगेंस्ट वो धारा लगाकर व्यक्ति को उस प्रकार की सजा दी जाएगी। आगे बात करते हैं कि कोर्ट के टाइप क्या होते हैं। तो सबसे पहले ब्रॉड स्पेक्ट्रम देखेंगे, देन उसके बाद इंडिया के अंदर देखेंगे कि कौन कौन से कोर्ट होते हैं। तो सबसे पहले ब्रॉडली दो कोर्ट होते हैं, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। अब बात करते हैं सबसे पहले सिविल कोर्ट की कि सिविल कोर्ट क्या करता है। दिस कोर्ट डील विद सिविल मैटर्स। तो सिविल कोर्ट क्या करता है? जो सिविल मैटर होते हैं उनको हैंडल करता है। और कौन कौन से सिविल मैटर? सबसे पहले देखिए लैंड डिस्प्यूट। लैंड डिस्प्यूट मीन, डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद, तो लैंड का मतलब जमीन, तो जमीनी विवाद। देन फैमिली डिस्प्यूट, फैमिली जो भी विवाद होंगे। एजुकेशनल डिस्प्यूट, स्पोर्ट डिस्प्यूट, मैरिज डिस्प्यूट, डिवोर्स डिस्प्यूट। तो इस तरह के जो भी मैटर हैं, जो सिविल मैटर्स हैं, उनको हैंडल करने का काम कौन करता है? सिविल कोर्ट करता है। अब इनको याद कैसे करना है? तो दोस्तों, कोई भी परिवार है तो परिवार के अंदर मोस्ट ऑफ क्या होता है, जमीन को लेकर और फैमिली को लेकर हमेशा विवाद होते रहते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि उस फैमिली के अंदर क्या हो रहा है, लैंड डिस्प्यूट, देन फैमिली डिस्प्यूट। उसके बाद क्या होता है, उसी फैमिली का कोई लड़का क्या करता है, एजुकेशन लेने जाएगा। तो क्या हो रहा है नेक्स्ट, क्या याद कर लीजिए आप, एजुकेशनल डिस्प्यूट। अब एजुकेशन के साथ साथ क्या होता है, वह स्पोर्ट्स भी खेलता है। जैसा कि हम देखते हैं स्कूल के अंदर एक्टिविटीज होती है तो स्पोर्ट्स भी रहता है। तो इस तरह से याद कर लीजिए कि वो एजुकेशन ले रहा है साथ ही साथ स्पोर्ट्स भी खेल रहा है। अब क्या हुआ, उसकी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, उसकी शादी होगी। तो शादी होने के लिए हम याद कर लीजिए मैरिड डिस्प्यूट। देन लास्ट में क्या होता है, शादी के बाद क्या हो सकता है उसके साथ, डिवोर्स भी हो सकता है। तो नेक्स्ट आप याद कर लीजिए डिवोर्स। तो इस तरह से आपको सिविल मैटर याद कर लेना है कि कोई फैमिली है उसके अंदर सबसे पहले क्या हो रहा है, जमीनी विवाद, फैमिली विवाद चल रहे हैं। फिर क्या होगा, एजुकेशन लेने गया, साथ ही साथ स्पोर्ट्स में भी उसकी रुचि है। फिर क्या होती है, उसकी मैरिज, देन लास्ट में होता है डाइवोर्स। तो इस तरह से आपको सिविल कोर्ट के अंदर ये निम्नलिखित जो हमारे मैटर्स होते हैं उनको याद करना है। आगे बात करें नेक्स्ट होता है क्रिमिनल कोर्ट। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है क्रिमिनल कोर्ट, तो ये क्या करेगा, क्राइम को डील करेगा। तो दिस कोर्ट डील विद क्रिमिनल मैटर्स अंडर आईपीसी। तो क्रिमिनल कोर्ट क्या करता है, जो भी क्रिमिनल मैटर्स होते हैं उनको डील करता है अंडर आईपीसी, इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत। इसके अंदर क्या क्या मैटर हो सकते हैं, मर्डर, किडनैपिंग, इंजरीज, सुसाइड, पॉइजनिंग, रेप, रोबरी, ईटीसी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या, किस तरह से आपको याद करना है, तो आप किसी मूवी को इमेजिन कर लीजिए। मूवी के अंदर आप देखते हैं क्या क्या काम हो सकता है, या तो मर्डर हो जाएगा, किडनैपिंग हो जाती है, इंजरीज दे दी जाती है, किसी को चाकू मार दिया जाता है, कोई सुसाइड कर लेता है, कोई पॉइजन पॉइजन को खा लेता है, कहीं पे रेप होता है, रोबरी हो जाती है। तो मूवीज के अंदर जो हम विभिन्न तरह के क्राइम्स देखते हैं, मैटर देखते हैं, उनको आप इमेजिन करते हुए यहाँ पर पांच छह नाम लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। आगे बात करते हैं पनिशमेंट ऑथोराइज बाय लॉ सेक्शन 53 आईपीसी। अब दोस्तों पनिशमेंट के बारे में समझते हैं कि पनिशमेंट किस किस तरह की हो सकती है, क्या क्या टाइप पनिशमेंट के हो सकते हैं। तो सबसे पहला है डेथ सेंटेंस। इन इंडिया द मेथड इज टू हैंग टिल डेथ। तो दोस्तों इंडिया के अंदर क्या है, सबसे बड़ी अगर कोई पनिशमेंट है तो वो क्या है, फांसी की सजा। तो सबसे पहला क्या है, सबसे बड़ी पनिशमेंट क्या है, डेथ सेंटेंस। इन इंडिया में क्या मेथड यूज किया जाता है, फांसी की सजा यूज की जाती है, फांसी यूज की जाती है जब तक व्यक्ति की डेथ ना हो जाए। सेकेंड बात करते हैं लाइफ इंप्रिजनमेंट, इंप्रिजनमेंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 20 ईयर्स। तो दोस्तों सेकेंड क्या होता है, उम्र कैद की सजा। आप मूवी के अंदर देखते हैं कि इस व्यक्ति को उम्र कैद की सजा दी जाती है। तो उम्र कैद का मतलब क्या, लाइफ इंप्रिजनमेंट, जो अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग कितने ईयर की हो सकती है, 20 साल तक की हो सकती है। थर्ड है इंप्रिजनमेंट। अब जो कारावास होता है, जो जेल की सजा दी जाती है, वो किस किस तरह की हो सकती है, तो सिंपल नॉर्मल सी जेल, देन सेकंड हो सकता है रिग्रस। रिग्रस का मतलब होता है कि जेल तो हुई है साथ ही साथ
जो व्यक्ति है कैदी है उससे वहाँ पर काम भी करवाया जाएगा। देन थर्ड है सोलिटरी कन्फिनमेंट, इसके अंदर क्या होगा, आपने नाम सुना होगा काले पानी की जेल, मीन्स व्यक्ति को अकेले ऐसी जगह पर कारावास में छोड़ देना जहाँ पर वो अकेला रहेगा। नेक्स्ट है फाइन, तो कोई जुर्म किया है, कोई क्राइम किया है तो उसके लिए फाइन लगाया जाता है। देन लास्ट है सेंडिंग द जुवेनाइल टू रिफॉर्मेटरीज फॉर ट्रीटमेंट ट्रेनिंग। अब दोस्तों क्या होता है, कुछ बच्चे जो कम उम्र के व्यक्ति होते हैं, लड़के होते हैं, वो क्या करते हैं, व्यक्ति होता है कोई गलत काम करता है तो उसको क्या किया जाता है, उसको एज अ पनिशमेंट ठीक करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए या उसको ट्रेनिंग देने के लिए भी भेजा जाता है, सुधार केंद्र पर भेजा जाता है। कोई मेंटल पेशेंट होता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी उसे एज अ पनिशमेंट भेजा जाता है। तो इस तरह की जो पनिशमेंट होती है इसको आप याद कर लें। आगे बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, क्रिमिनल कोड इन इंडिया। इसको हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। तो क्रिमिनल कोड इन इंडिया कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है सुप्रीम कोर्ट, देन उसके बाद होता है हाई कोर्ट, देन उसके बाद होता है डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट, देन उसके बाद असिस्टेंट सेशन कोर्ट, देन मजिस्ट्रेट कोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको लिखना है कि ये क्या है, हाईएस्ट जुडिशियल ट्रिब्यूनल इन द कंट्री सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। तो सबसे हाईएस्ट जुडिशियल ट्रिब्यूनल कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट है। ये क्या है, सर्वोच्च न्यायिक अधिकरण होता है जो कि न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। अब इसकी क्या पावर है, तो इट हैज पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल अदर कोर्ट्स इन इंडिया। तो जितने भी इंडिया के बाकी कोर्ट्स हैं उन सभी के ऊपर ये पावर रखता है, उनके ऊपर उनको नियंत्रित करने की इसके पास पावर रहती है। सेकंड है लॉ फॉर्म बाय इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट इन द कंट्री। तो लॉ कौन बनाता है, सुप्रीम कोर्ट बनाता है, और बाकी कोर्ट को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। आगे बात करें, इट कैन ट्राई एनी क्रिमिनल अपील केस एंड कैन अवॉर्ड एनी पनिशमेंट ऑथोराइज बाय लॉ। तो ये क्या कर सकता है, किसी भी क्रिमिनल अपील केस को ले सकता है, किसी भी जो क्राइम हुआ है उस केस को ले सकता है और किसी भी तरह की पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ उसको दे सकता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को आप सुप्रीम कोर्ट से हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हुए पढ़ते हैं। तो हमने वहाँ बात करी थी वो क्या है, हाईएस्ट जुडिशियल ट्राइब्यूनल इन द इंडिया। यहाँ पर इन द इंडिया ना होकर ये हाईएस्ट जुडिशियल ट्राइब्यूनल है किसका, स्टेट का, सिचुएटेड इन स्टेट कैपिटल। ये कहाँ सिचुएटेड रहेगा, जो भी स्टेट जिसका भी हाई कोर्ट रहेगा ये उसकी राजधानी में, उसकी कैपिटल में सिचुएटेड रहेगा। आगे बात करें तो जिस तरह से उसको हमारे सुप्रीम कोर्ट को पावर थी ऑल ओवर कोर्ट का, जो इंडिया के अंदर जितने भी कोर्ट हैं उन सभी के ऊपर नियंत्रण करने की पावर थी, इसको क्या रहेगा, हाई कोर्ट जो रहेगा वो क्या करेगा, स्टेट के अंदर जितने भी कोर्ट हैं उनको नियंत्रित करने की पावर रखेगा। तो इसके अंदर आपको लिखना है इट हैज़ पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर द कोर्ट इन दैट स्टेट। जिस स्टेट का हाई कोर्ट रहेगा उस स्टेट के अंदर जितने भी कोर्ट रहेंगे उन सभी के ऊपर पावर रखने का, उनको नियंत्रित करने की पावर किसके पास रहेगी, हाई कोर्ट के पास रहेगी। आगे बात करें तो ये भी सभी तरह के क्रिमिनल केस को ले सकता है और किसी भी तरह की पनिशमेंट दे सकता है, जो पनिशमेंट हम पीछे की स्लाइड में पढ़ के आए थे वो सारी पनिशमेंट ये भी दे सकता है। तो इसके अंदर भी आपको लिखना है इट कैन ट्राई एनी क्रिमिनल अपील केस एंड कैन अवार्ड एनी पनिशमेंट ऑथराइज बाय लॉ। आगे बात करें मोस्ट इम्पोर्टेंट, यदि सेशन कोर्ट के द्वारा किसी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस जारी किया जाता है तो उसके अगेंस्ट अपील न होने पर भी पहले उसकी हाई कोर्ट द्वारा जांच की जाती है। तो दोस्तों हाई कोर्ट से नीचे अभी हम सेशन कोर्ट पढ़ेंगे। यदि सेशन कोर्ट किसी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस जारी कर देता है, वो बोल देता है कि इसको फांसी की सजा देनी है, तो वहाँ पर डेथ सेंटेंस जारी होने के बावजूद भी पहले हाई कोर्ट में उस व्यक्ति की जांच होगी, पूरे मुकदमे की जांच होगी, देन उसके बाद उसको डेथ सेंटेंस जारी होगा या नहीं होगा ये डिसाइड हाई कोर्ट करता है। तो सेशन कोर्ट में एक बार डेथ सेंटेंस जारी होने के बाद भी हाई कोर्ट पहले उसकी एक बार चेकिंग करता है, देन आगे की कार्रवाई होती है। तो ये पॉइंट आपको विशेष रूप से इसके अंदर ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डील्स सिविल मैटर्स एंड सेशन कोर्ट डील्स क्रिमिनल मैटर्स विच इज सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट।
तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वो क्या करता है, सिविल मैटर को हैंडल करता है, और सेशन कोर्ट क्या करता है, क्रिमिनल मैटर को हैंडल करता है। और ये कहाँ सिचुएटेड रहते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये सिचुएटेड रहते हैं। अब इनके अंदर क्या पावर रहती है, तो इट कैन ट्राई एनी क्रिमिनल अपील केस एंड कैन अवार्ड एनी पनिशमेंट ऑथोराइज बाय लॉ। तो ये भी किसी भी क्रिमिनल केस को ले सकते हैं और किसी भी तरह की पनिशमेंट दे सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने हाई कोर्ट के अंदर पढ़ा था, वही पॉइंट यहाँ पे आपको कॉपी करना है कि यदि सेशन कोर्ट के द्वारा किसी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस जारी किया जाता है, उसके अगेंस्ट अपील न होने पर भी पहले उसकी हाई कोर्ट द्वारा जांच की जाती है। तो जो सेशन कोर्ट हम पढ़ रहे हैं, यदि यह किसी डेथ सेंटेंस किसी व्यक्ति को जारी कर भी देता है, तो उसकी चेकिंग एक बार हाई कोर्ट करेगा, जिसके बारे में ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो ये होता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। आगे बात करते हैं असिस्टेंट सेशन कोर्ट, तो ऑल्सो सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट एंड कैन ट्राई एनी केस बट कैन नॉट अवार्ड डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट बियॉन्ड 10 ईयर। तो जो असिस्टेंट सेशन कोर्ट होता है वो भी क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की तरह ये भी डिस्ट्रिक्ट में ही सिचुएटेड रहता है। ये भी किसी भी क्रिमिनल केस को ले सकता है और कोई भी सजा दे सकता है। ओनली 3 सजा को छोड़कर ये डेथ सेंटेंस जारी नहीं कर सकता, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा नहीं दे सकता, और 10 साल से ज़्यादा की सजा किसी को नहीं दे सकता। इन 3 सजा को छोड़कर बाकी सभी काम ये कर सकता है, ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की तरह ही काम कर सकता है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ये 3 काम नहीं कर सकता, डेथ सेंटेंस जारी नहीं कर सकता, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं कर सकता, और इम्प्रिजनमेंट बियॉन्ड 10 ईयर, तो 10 साल से ज़्यादा कारावास की सजा भी नहीं दे सकता। तो ये होता है असिस्टेंट सेशन कोर्ट। आगे बात करते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट के बारे में। ये 2 टाइप का होता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सबसे पहले बात करते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की। दे मेनली डील विथ ऑफिस वर्क एंड रेयरली वर्क एज मजिस्ट्रेट, एग्जाम्पल कलेक्टर, तहसीलदार। तो दोस्तों जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है वो क्या करता है, गवर्नमेंट की तरफ से जो उन्हें ऑफिस वर्क दिया जाता है वो मेनली करते हैं और बहुत ही रेयरली काम करते हैं एज अ मजिस्ट्रेट। ठीक है, ये कौन होते हैं, कलेक्टर हो गया, तहसीलदार हो गया, तो ये सभी क्या है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं। इनका काम क्या होता है, मेनली वोटर सप्लाई डिस्प्यूट, जो वोटर संबंधित विवाद होते हैं उनको निपटाना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, इनको बनाना। नेक्स्ट है जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब ये क्या है, देयर ड्यूटी इज टू रिकॉर्ड एविडेंस इन द कोर्ट एंड पास जजमेंट। तो इनका काम होता है एविडेंस को इकट्ठा करना, उनको रिकॉर्ड करना कोर्ट के अंदर, और जजमेंट को पास करना। तो इस तरह से हमारे इंडिया के अंदर 5 प्रकार के कोर्ट होते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और दोस्तों जिसने भी अभी तक मास्टरमाइंड समीर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों इसी तरह आयुर्वेद को पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और आयुर्वेद को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू।